So good morning, dear friends. My name is Priyank Lohia, and I taught the manufacturing process. I'm a BTech student, and my name is Priyank Lohia. I'm assistant professor in SIIT Excellence, Mechanical Engineering Department. Today, my topic is on the process of casting. Last topic is a introduction of casting. So next topic is basically a pattern. I will share the screen. Yes. So my topic is casting. Under the casting topic, the subtopic is pattern. So what is pattern? Right, pattern is a mold of pattern is a mold or the replica of the object to be cast. जो भी आपको product बनाना है, जिस भी type का product आपको जो भी objective आपका है बनाने का वो कहलाता है पैटर्न। पहले हमको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पहले उसको कास्ट बनाना पड़ेगा, जिस तरह से प्रोजेक्ट सपोज करो हमको रिमोट बनाना है, पहले हमको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, किस तरीके का बनेगा आपका ये प्रोजेक्ट। देन उसके बाद आप इस पैटर्न को बनाने के बाद फिर इसकी कैविटी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो कैविटी के अंदर फिर अपन आप जो है कल प्रोसेस पड़ी थी कास्टिंग की, कास्टिंग का सिक्वेंसिंग था आपका, फिर उसके अंदर लिक्विड को डाला जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है, देन आपको कास्टिंग मिलती है। सो पैटर्न क्या होता है? इट्स अ रिप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस भी तरीके का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसका पहले आप मॉडल बनाएंगे, वो जो मॉडल है वो कहलाता है पैटर्न, राइट। सो इट इज अ एम्बेडेड इन अ मोल्डिंग सैंड एंड सुटेबल रैमिंग ऑफ द मोल्डिंग सैंड अराउंड द पैटर्न। The pattern is then withdrawn for generating cavity known as mold in a molding sand. Thus, it is a mold forming tool. So, इस point का मतलब है कि जो भी आप pattern है उसको sand के अंदर रखते हैं, उसके साथ उसके ट्रेन में रैमिंग की जाती है, sand को रैम किया जाता है ना, और उस pattern की आप जब pattern को रैमिंग करने के बाद उसके अंदर pattern से cavity बन जाता है, वहां से उसको निकाल लिया जाता है, तो वो एक मोल्ड बन गया, कैविटी जनरेट हुई है, जो आपकी मोल्ड जो आपने पैटर्न बनाया था जो स्टैंड के अंदर जो कैविटी जनरेट हुई है उसको बोलते हैं मोल्ड, राइट। इट मे बी डिफाइंड एज अ मॉडल ऑफ फॉर्म अराउंड विच स्टैंड इज पैक्ड टू गिव राइज टू कैविटी नोन एज मोल्ड कैविटी, इन विच व्हेन द मोल्डन मेटल इज पोर्ड द रिजल्ट इज द कास्ट ऑब्जेक्ट व्हेन द मोल्ड और कैविटी इज फिल्ड विद मोल्डन मेटल molten matter solidify and produce a casting, so the pattern is a replica of casting. The pattern prepare a mold cavity for the purpose of making a casting, right. So this is a third point is that the full process of casting. Aapne ab ek bar cavity bana li us mold ke dwara, then uske andar fir aap usko jo molten matter liquid hai usko pour kiya jata hai, usko solidify kiya jata hai, fir usse casting ko निकाला जाता है। सो पैटर्न क्या हुआ? पैटर्न जस्ट अ रेप्लिका ऑफ कास्ट, जो भी आपको बनाना है उसका एक फाइनल पीस रहता है, जिस शेप का बनना है वो कहलाता है आपका पैटर्न। तो पैटर्न के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ पैटर्न, पैटर्न प्रिपेयर मोल्ड कैविटी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कास्टिंग, है ना। पैटर्न पजेस कोर प्रिंट विच प्रोड्यूस सी इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा रेसेस or core placement in the mold. It establish the parting line and parting surface in the mold. Runner, riser, gate may form a part of pattern. Probably construction pattern minimize overall cost of the casting. Pattern may help in establishing locating pin in the mold and therefore on the casting with the purpose to check the casting dimension. Next, properly made pattern having finish and smooth surface reduce casting defects. Basically, objective to pattern का है वो क्या होता है कि आपको एक suitable
कास्टिंग, अगर आपको बहुत अच्छी कास्टिंग बनानी है तो उसको पहले आपका तो पैटर्न है वो स्पेसिफिक डायमेंशन और साइज का होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप उसके द्वारा मोल्ड बनाएंगे वो आपका स्पेसिफिक रहेगा, राइट। सो पैटर्न इसलिए बहुत जरूरी होता है। रनर जो होते हैं, रनर है, गेट है, राइजर है, ये पैटर्न के ही पार्ट होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे क्या रनर क्या होता है, गेटिंग सिस्टम में ये सारी चीजें आएंगी, है ना। तो अगर आप बहुत अच्छी कास्टिंग की, ओवरऑल कॉस्ट की जो कॉस्ट है कास्टिंग की, अगर आपको कम करना है तो आपको उसके डिफेक्ट जो है पैटर्न को उसको रिमूव करना पड़ेगा, वो रिमूव होंगे। ऐसे बेसिक जो स्टेप है वो जो आपको जितना अच्छा मोल्ड होगा उतना अच्छा कैविटी बनेगी और उतना अच्छा आपकी कास्टिंग बनेगी। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैटर्न। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं, वन पीस और सॉलिड पैटर्न, टू पीस और स्प्लिट पैटर्न, फोर एंड ड्रैग पैटर्न, थ्री पीस, मल्टीपल पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्वीप पैटर्न, स्केल्टन पैटर्न एंड सेगमेंटेड और पार्ट पैटर्न। दिस इज द बेसिक टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस टू ईच टाइप्स ऑफ पैटर्न, राइट। तो नेक्स्ट फर्स्ट वन इज सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न। सिंगल पीस सॉलिड पैटर्न क्या होता है, जो एक ही यानी जो आपका कास्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो केवल एक ही पीस में रहेगा, उसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होंगी, कोई पार्टिंग लाइन नहीं होंगी, तो दो पार्ट में वो नहीं होगा, सिंगल पीस में होगा, तो वो कहलाएगा सिंगल पीस में। आप एग्जांपल में देखें, डायग्राम में है एक ही है, उसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस टाइप का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो कहलाएगा आपका सिंगल पीस पैटर्न। टू पीस पैटर्न में क्या होते हैं, अगर आपका कास्टिंग बहुत यानी कॉम्प्लिकेटेड है या फिर वन पीस में नहीं बन पा रही है तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। सो व्हेन द सॉलिड पैटर्न इज डिफिकल्ट फॉर विथड्रॉ फ्रॉम द मोल्ड कैविटी, और यस वन थिंग और कि अगर आपने पैटर्न बना लिया और आप उसके मोल्ड कैविटी बना रहे हैं, तो मोल्ड कैविटी बनती है, उसके बाद पैटर्न को वहां से रिमूव किया जाता है, तो अगर वो रिमूव होने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप उस पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो टू पीस पैटर्न कहलाएगा। क्योंकि जब आप रिमूव करते हैं तब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं और मोल्ड कैविटी बनाने में, जिससे कि वो कास्टिंग प्रॉपर नहीं बन पाती है, राइट। स्प्लिट पैटर्न इज मेड ऑफ टू पीस विच आर जॉइंड एट अ पार्टिंग लाइन बाय मीन्स ऑफ ड्यूल पिन। ये दो पिन आपको दिख रही होंगे, ड्यूल पिन यहाँ पर आप देखें ड्यूल पिन दिख रहा है, वो ड्यूल पिन क्या काम आती है, वो आपको पैटर्न को रिमूव करने के काम आती है कैविटी से, राइट। नेक्स्ट है कोप एंड ट्रैक पैटर्न। ओपन ट्रैक में क्या होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है, ऊपर वाला जो फ्लास्क समझाया था, ऊपर वाला फ्लास्क को बोलते हैं कोप, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रैक। सेम पीस का अगर आपको पैटर्न बनाना है तो ओपन ट्रैक पैटर्न में भी जस्ट लाइक अ टू पीस पैटर्न, राइट। सो इन दिस केस ओपन ट्रैक पार्ट ऑफ द मोल्ड आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, दोनों के बॉक्स अलग अलग होते हैं, दोनों में आप अलग अलग पैटर्न रख सकते हैं, कैविटी बना सकते हैं, उन दोनों को एक ऊपर एक रखा जाता है, फिर बनाया जाता है। तो दिस इज डन व्हेन द कंप्लीट मोल्ड इज टू हैवी, अगर बहुत बड़ा है आपका मोल्ड, है ना, तो उसके लिए आप ओपन ट्रैक पैटर्न का यूज करते हैं, राइट। द पैटर्न इज मेड अप ऑफ टू हाफ विच आर माउंटेड ऑन डिफरेंट प्लेट, मैंने बताया दोनों बॉक्स में अलग अलग आप बना सकते हैं। थ्री पीस में क्या होता है, अगर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका शेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में है ना, बड़ा है, तो फिर आप टू पीस की जगह थ्री पीस का भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड साइज, अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वो पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है बनाने में, तो फिर आप थ्री पीस का यूज कर सकते हैं। लूज पीस, लूज पीस में क्या होता है, लूज पीस पैटर्न इज यूज व्हेन पैटर्न इज डिफिकल्ट फॉर विथड्रॉ फ्रॉम द मोल्ड, अगर मोल्ड से जो पैटर्न है निकालने में परेशानी आ रही है, कहीं कुछ डैमेज हो रहा है, तो क्या करते हैं, लूज पीस आर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न एंड दे आर द पार्ट ऑफ द पैटर्न। उसमें एक एक जो पार्ट होता है वो लूज होता है, थोड़ा सा एकदम टाइट नहीं रैम करते हैं, थोड़ा सा उसको लूज रखते हैं। सो द मेन पार्ट, मेन पैटर्न इज रिमूव फर्स्ट, लीव द लूज पीस पोर्शन ऑन द पैटर्न इन द मोल्ड, फाइनली द लूज पीस इज विथड्रॉन सेपरेट लीविंग द इंटीग्रेटेड मोल्ड। तो जो आपका मेन जो मोल्ड होता है, पहले आप उसको बनाते हैं, उसको लूज पीस में आप निकालते हैं, है ना। तो जस्ट ये लूज पीस कहाँ यूज होता है, जहाँ पर आपको डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्ट होता है निकालना, विड्रॉ करना मोल्ड से, राइट।
वहां पर आप लूज पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मैच प्लेट. मैच प्लेट पैटर्न, दिस पैटर्न इज मेड इन टू हाफ एंड इज ऑन माउंटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वुडन और मेटेलिक प्लेट इज नोन एज मैच प्लेट. द गेट एंड रनर आर ऑल्सो अटैच टू द प्लेट. दिस पैटर्न इज यूज फॉर मशीन मोल्डिंग. जहां भी मशीन मोल्डिंग का यूज किया जाता है वहां पर ये टाइप का इस टाइप का मैच प्लेट यानी सेम टू सेम एक ऊपर एक एग्जैक्टली सेम अगर आप पैटर्न बना रहे हैं तो वहां पर ये यूज किया जाएगा. राइट तो ये हो गया आपका मैच हो गया. नेक्स्ट है फॉलो बोर्ड पैटर्न. व्हेन दिस व्हेन द यूज ऑफ सॉलिड और स्ट्रेट पैटर्न बिकम डिफिकल्ट राइट एंड कंट्रोल करस्पॉन्डिंग टू द एग्जैक्ट शेप ऑन एग्जैक्ट शेप Yes. So, yes. So follow board pattern क्या होता है? When the use of solid or straight pattern become difficult. तो आपने solid pattern पढ़ा है, जो कि single piece हो सकता है, double piece हो सकता है, तो वो difficult है. और contour corresponding to the exact shape on the half of the plate is made in a wooden board. तो पहले क्या करते हैं? एक जो वुडन बोर्ड होता है लकड़ी होती है ना उस पर आप उसको बना लेते हैं मोल्ड को बना पैटर्न को बनाते हैं. तो उसके अंदर वो जो प्लेट होती है उसको आप रख देते हैं उसके ऊपर विच इज कॉल्ड अ बोर्ड एंड इट एक्ट एज अ मोल्डिंग पैटर्न फॉर द फर्स्ट मोल्डिंग ऑपरेशन. तो उस लकड़ी को क्या करते हैं फिर तो उसके अंदर रख दिया जाता है बॉक्स के अंदर स्टैंड के ऊपर है ना. तो उसके अंदर आप जो मोल्ड कैविटी बन जाती है बोर्ड के ऊपर वो विड्रॉ हो जाती है बना लिया है. So this is a follow board pattern. Next है gated pattern. Gated pattern में क्या होता है अगर mass production आपको करना है तो similar types के जो similar types का जो भी आपका object है वो एक ही runner के द्वारा connected होता है पूरा runner उसमें एक ही होता है और same types के exactly same types के आपके pattern होते हैं है ना जिससे कि mass production बहुत आसानी से किया जा सकता है within कम time पर. वैसे ये जो पैटर्न होते हैं दिस पैटर्न आर मेड ऑफ मेटल मेटलिक पीस फ्रॉम द गेट आर रनर अटैच टू द पैटर्न. नेक्स्ट है स्वीप पैटर्न. स्वीप पैटर्न में क्या होता है स्वीप पैटर्न आर यूज फॉर फॉर्मिंग लार्ज सर्कुलर मोल्डिंग ऑफ सिमेट्रिक काइंड बाय रिवॉल्विंग अ स्वीप अटैच ऑन द स्पिंडल टू ऑन द स्पिंडल इज शोन फिगर. जैसे आप देख रहे हैं एक्चुअली द स्वीप इज a template of wood or metal and is attached to the spindle at one edge and the other edge is contoured depending upon the desired shape the mold. The pivot end is attached to stack of the metal in the center of the mold. इसमें क्या होता है स्वीप पैटर्न में एक आप स्पिंडल रहता है स्पिंडल से आप एक जो भी पैटर्न आपको जिस भी टाइप का पैटर्न बनाना है वो स्पिंडल से लगा दिया जाता है और एक साइड आपको क्या कर दो आपकी रैम सैंड होती है ना सैंड को उस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में पिवोट के अराउंड उसको घुमाया जाता है जिससे कि सैंड रिमूव हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया से जिस भी शेप का आपको पैटर्न चाहिए है राइट. जो भी आपको पैटर्न चाहिए तो उस टाइप का आप उसमें एग्जैक्टली मिरर टाइप का शेप कर सकते हैं अदर साइड राइट. तो दिस इज अ स्वीप पैटर्न. नेक्स्ट है स्केलेटन पैटर्न. व्हेन ओनली स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एंड हैवी कास्टिंग आर टू बी मेड इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू मेक अ सॉलिड पैटर्न. इन सच केस हाउएवर अ स्केलेटन पैटर्न मे बी यूज्ड. दिस इज अ रिब कंस्ट्रक्शन ऑफ वुड विच फॉर्म एन आउटलाइन ऑफ द पैटर्न टू बी मेड. दिस मेड वर्क इज फिल्ड विद लोम सैंड एंड रैम. The surplus sand is removed by the striker board. For round shape, the pattern is made in two halves, which are joined with glue or by means of screw, etc.
स्केलेटन पैटर्न क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जो सेम सेम बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का पैटर्न रख दिया जाता है। और ये हैवी कास्टिंग के लिए बेसिकली लार्ज स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एंड हैवी कास्टिंग के लिए ये बनाया जाता है। इज नॉट इकोनॉमिकल, ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता है, तो ये बहुत रेयरली यूज होता है। तो ये जो बेसिकली थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न थे अपने आज अपने जो पढ़े हैं, है ना। तो ये आप जो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, बाकी अपन आगे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो बेसिकली ये 10 टाइप्स ऑफ पैटर्न जो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।